हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जय सियाराम, जय सियाराम। हम पहुंच चुके हैं पवित्र धाम, हम पहुंच चुके हैं राम की जन्मभूमि। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब जब प्रभु राम को और राम लला को लेकर बड़े बड़े माइलस्टोन छुए हैं इस देश ने, तब तब मेरा यहाँ आना हुआ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। और इस वक्त मेरे साथ दो महन, दो संत, दो महात्मा यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है योग गुरु बाबा रामदेव। राम रूपिका जी आपको। और मैं आज आपको राम भक्त बाबा रामदेव कहने वाली हूँ। हम सब राम भक्त हैं, हम सब राष्ट्र भक्त हैं, और जो राम भक्त होगा वो राष्ट्र भक्ति भी होगा, उसमें राष्ट्र प्रेम भी होगा, उसके उसमें मानवता के लिए भी प्रेम होगा। क्योंकि राम अयोध्या के भी हैं, राम कौशल्या के भी हैं, राम जो है अहिल्या के भी हैं, और राम भिलनी के भी हैं, राम वनवासियों के भी हैं, राम सबके हैं। बाबा रामदेव, आज तो ये बात प्रियंका गांधी ने भी बोली, आपने कहीं स्क्रिप्ट लिखकर तो नहीं दी थी? हम देते तो बहुतों का है, कितना कोई मानते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। और हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर जूनागढ़ अखाड़े के अवेशानंद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे संतों की बहुत बड़ी संस्था है, 10 बड़े अखाड़े होते हैं, वैसे तो 14 अखाड़े हमारे, और भी बहुत परंपराएं हैं। उनसे सबसे बड़े अखाड़ा हमारे साधु संतों का, उनके हमारे प्रमुख आचार्य आचार्य महामंडलेश्वर। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी जी। रुबिका जी आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, विशेषकर राम पैड़ी पर मेरे सामने सरयू है, हजारों राम भक्तों के बीच में मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का नाम भी राम से आरंभ होता है और अवधेशानंद का भी मतलब नाम राम से ही आरंभ होता है, इस राम है। और लगभग 1984 से लेकर अब तक जितने भी यहाँ पर अनुष्ठान, आयोजन, संघर्ष और आंदोलन हुए, उन सब का मैं साक्षी रहा हूँ। तो मैं बहुत ही आह्लादित हूँ एक ऐतिहासिक दिवस पर यहाँ पर संतों के बीच पहुँचकर। मैं एक बार दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो दिए आपको दिखाई दे रहे हैं ये 8 बजे के आसपास प्रज्वलित होने वाले ये हैं। दीप लियाकत जी, रुबिका जी खाली अयोध्या में नहीं जलने वाले, ये भारत के करोड़ों घरों में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों दीप जलने वाले खुशी के, आनंद के, प्रसन्नता है एक तरीके से। ये पूरे देश में एक ऐसी दिवाली होगी, मीर बाकी से लेकर के अब तक लाखों लोगों ने अपनी शहादत कुर्बानियां दी हैं, उन सबको हमारी ये श्रद्धांजलि होगी, भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता होगी। चाहे हम उनको पूर्वज माने लियाकत, चाहे हम उनकी पूजा करें, उनको अवतारी पुरुष माने, चाहे हम उनको एक आदर्श पति माने, आदर्श राजा माने, उनको हम मातृ पितृ भक्त माने, उनको राष्ट्र भक्त माने, जिस रूप में हम राम को माने, राम को माने, इमाम हिंद माने, इमाम हिंद माने। और एक बात और कहता हूँ रूबिका, आप जो है एक इस्लामिक फैमिली में जन्मी हो, आज से 500 साल पहले जाएं, आपके और हमारे पूर्वज एक ही है, निश्चित तौर पर होंगे। हमारे पूर्वज एक, पूजा की पद्धतियां बदल सकती हैं, हमारे पूर्वज नहीं बदल सकते, डीएनए मेरा और आपका एक ही है, और हम सबके आराध्य हैं राम, हम सबके पूर्वज हैं राम। और यही चीज हमारे आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, उन्होंने इस बात को अपनाया है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो आसपास के बाकी मुल्क हो, वहां पर आज भी रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला हमारे यहाँ तो होती है, पर मैंने बाली में देखी है, और इंडोनेशिया का कोई गांव, गली, मोहल्ला ऐसा नहीं है। मैं 3-4 बार बाली गया हूँ, वहाँ के जितने भी छोटे नगर, गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले हैं, जैसे ही सूर्यास्त होता है वहाँ पर रामायण आरंभ हो जाती है, और लगभग एक दिन में 5-6 हजार रामायणों का मंचन, प्रतिदिन रामलीला अगर इस धरती पर कहीं होती है तो वो इंडोनेशिया में, और वो मुस्लिम कंट्री है, मुसलमानों का देश है। तो राम न केवल इंडोनेशिया में, आज वो मुसलमानों का है, इंडोनेशिया, बाली, कंबोडिया से लेकर के यूनान और मिश्र से लेकर के हमारा अखंड भारत हुआ करता था, थोड़े दिन पहले तक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही अपने में थे, तिब्बत, ये चीन जो आज चाचाई कर रहा है ये भी अपने में हुआ करता था कभी। इसलिए हमको गौरव होना चाहिए अपने। और एक बात और रुबिका जी, कुछ लोग कहते हैं राम कहीं एक काल्पनिक पुरुष है, एक उपन्यास लिखा गया, एक महाकाव्य है, जैसे कोई मुंशी प्रेमचंद ने, गुरुदत्त ने आदि ने कुछ ऐसे उपन्यास लिख दिया, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसे कहते हैं। लेकिन आप सोचो, हजारों लाखों वर्षों से
कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई परंपरा, जहाँ की नदियाँ, जहाँ के नगर, जिनके नाम, जिनकी परंपराएं, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, जिनकी जीवन पद्धति, जिनके गोत्र, जिनके पूर्वज, जिनके कुल देवता, जिनके सब कुछ राम है, ऐसा किसी उपन्यास के आधार पर कोई दुनिया का एक देश तो बहुत दूर की बात है, कोई एक स्टेट या कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक विलेज बता दो जहां पर किसी उपन्यास के आधार पर कोई कोई संस्कृति, कोई परंपरा चलती हो। तो ये अब मुझे लगता है जो राम को इतिहास बता जो है कि कई काल्पनिक पुरुष बताते थे, वो खुद एक कल्पना या सपना बनकर के रहेगा। और ये इशारा किसकी तरफ है बाबा रामदेव? नहीं, ये इशारा इनका किसी की ओर नहीं है, पर कुछ लोग यहाँ ऐसे भी थे जिन्होंने एफिडेविट दिए कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक कल्पना है, और न यहाँ राम सेतु है, और न राम हुआ है, न राम का कुल गोत्र वंश परंपरा थी, लेकिन मैं जिस नगरी में हूँ ये राम के पूर्वजों की भी नगरी है, और यह मनु के द्वारा स्थापित ये सगर की नगरी है। शिव दधीच, हरिश्चंद्र आदि ने, खटवांग ने, दीर्घदमा, दीर्घबाहु और राजा रघु ने यह दान दिया है। तो जो कुछ लोग जो ऐसा कह रहे थे कि राम की आचार्य कोई... वो कल की बात इसलिए लगती है क्योंकि मुझे यकीन है बाबा रामदेव आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने एक अच्छा खासा लेख लिखा है, और जो आपने जो शुरुआत की है बिल्कुल वही कि राम सबके हैं, राम मेरे हैं, राम तुम्हारे हैं, राम मुझ में हैं, राम तुम में हैं, राम सब में हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आज जो हिंदुस्तान जिस जिस माहौल में इस वक्त ढला हुआ है, आप देखिए सबसे बड़ा खौफ क्या था कि जब ये फैसला आएगा तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और कितनी खूबसूरत बात है कि हिंदुस्तान ने रिएक्ट, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, आज मंदिर को लेकर हर एक घर से जो है वो मुस्कान आ रही है। और रूबिका लियाकत की चेहरे की प्रसन्नता ये कह रही है कि इस उत्सव में सभी एकीभूत हैं, इसलिए राम मजहबों की सीमाओं से परे हैं, और मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सीमाओं से भी परे। पूरी दुनिया में बात किसकी होती है? कैरेक्टर की बात होती है। तो राम जैसा कैरेक्टर सब प्रकार से जिसमें पूर्णता हो, वो पूर्ण पुरुष हैं, वो पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं की, ह्यूमन वैल्यूज की, मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, मोरल वैल्यूज की, स्पिरिचुअल वैल्यूज की, माने चरित्र की पवित्रता की पराकाष्ठा कहीं पर है। दुनिया चरित्र को मानती है ना, आखिर हम फॉलो किसको करें, अपना आइकॉन, अपना रोल मॉडल किसको माने। तो पूरी दुनिया में जब भी किसी एक महानतम चरित्र की बात होगी तो उनको राम दिखाई देंगे। तो प्रभु राम का, राम लला का मंदिर अब बनने को है। कल आप जानते हैं कि भूमि पूजन होने वाला है, आप दोनों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो बस बात यहीं तक खत्म, क्योंकि कहा जा रहा है कि मथुरा काशी बाकी है। देखो मथुरा काशी भी बाकी है, और राम मंदिर के बाद में राम जैसा पवित्र चरित्र हो इस राष्ट्र का, और राम राज्य असल में हमारे आचरण से आने वाला है, इसलिए राम मंदिर बनाना और राम जैसा चरित्र इस राष्ट्र का हो, उसके लिए सबको मिलकर के पुरुषार्थ करना है। मैं अपने शेष 50 वर्ष जो मेरे जीवन के हैं वो इसके लिए लगाऊंगा। तो ये यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, राम मंदिर से लेकर के राष्ट्र का निर्माण हमें करना है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं जाना चाहिए, ये एक सेक्युलर देश है, ये एक सेक्युलर मुल्क है, सारे धर्मों को एक तरीके से रखा जाना चाहिए, तोला जाना चाहिए। ये देश के उसविद्दीन क्या ओवैसी के केवल बाप का है, वो जो चाहेगा वो, उसकी हैसियत क्या, उसकी औकात क्या है, वो तय करेगा कि देश के प्रधानमंत्री को कहा जाना चाहिए कहा नहीं जाना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं, वो एक गद्दार आदमी है, वो एक गद्दार आदमी है, यदि ओवैसी के भी डीएनओ को देखोगे तो उसमें भी राम का डीएनए मिलेगा उस गद्दार को, तब समझ में आएगी। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं यहाँ राम भक्तों का उत्साह भी देख रहा हूँ। देखिए राम मंदिर के लिए देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, वो किसी एक पार्टी का नहीं देखना चाहिए, किसी एक जाति मजहब पंथ से उसे मत देखो, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, तो भारत का एक प्रकार से शासक, जिसके भीतर में एक सच्चा उपासक बैठा है, वो एक अच्छे प्रशासक भी है, वो एक प्रकार से राष्ट्र ऋषि है। हम सब सन्यासियों ने मिलकर, विशेषकर स्वामी रामदेव जी महाराज ने और भारत के लाखों सन्यासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि कहा है। तो इस देश का राष्ट्र ऋषि, उपासक, एक अच्छा प्रशासक और एक एक राष्ट्रभक्त होने के साथ राम भक्ति भी, राम भक्त भी है क्या, और एक एक सनातन, लेकिन कहा जा रहा है कि उपासक भी यहाँ रहा है एक वक्त पर जो सबसे तगड़े होने का। देखो
गैर सांप्रदायिक होने का रूबिका जी अर्थ यह नहीं है कि आप किसी मत पंथ संप्रदाय का अनादर करें। गैर सांप्रदायिक होने का, सेकुलर होने का अर्थ है सब धर्मों का, सब मत पंथ संप्रदायों का आप आदर करें। तो मोदी जी सब पंथों के प्रति उदार हैं, वो ईद की भी शुभकामनाएं देते हैं, वो मस्जिदों में भी गए हैं, देश में भी गए, विदेश में भी गए, सब मुस्लिम गुरुओं से भी मिलते हैं। तो वो जिस कुल में पैदा हुए हैं, वो जिस जो जिस बाबा रामदेव जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, हाँ। उसके प्रति वो निष्ठा रखते हैं। हमारा संविधान इसकी मनाही कहाँ करता है? नहीं, लेकिन असद ओवैसी शायद ये भूल जाते हैं कि जो पहला निमंत्रण पत्र जाता है वो एक मुसलमान इकबाल अंसारी को ही जाता है, प्रभु राम की। ये तो प्रभु हकदार भी है, उन्होंने मुकदमा लड़ा लेकिन सौहार्दे के साथ पूरा, और उन्होंने कहा कि प्रभु राम की इच्छा है इसीलिए आज मुझे आमंत्रित किया गया है। ऐसे इकबाल अंसारी जैसे जो मुसलमान हैं उनका ये देश सदा स्वागत करता था और करता रहेगा। बहुत। आपको कभी ऐसा लगा था कि सच में वो दिन बहुत नजदीक है कि प्रभु राम के मंदिर को बनते हुए आप उसी भूमि से देखेंगे? आपने इसकी कल्पना की थी? सच बताइए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बहुत देरी हो रही थी तो कभी कभी निराश हो जाता था, और मैंने कहा भी कई बार कि जो है यदि सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें निर्णय नहीं देगा तो देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और वो दिन देखने को नहीं मिले। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कम से कम देर जरूर हुई लेकिन अंधेर नहीं हुई, और उन्होंने देखा कि इस समय देश का शासक साहसी है, जो निर्णय देंगे उसको एग्जीक्यूट करा लेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का भी, अमित शाह जी का भी, अभी उनको कोरोना है, हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्याम के चरणों में जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और योगी जी का भी, हमारे बाबा जी वो भी देखो बाबा लोग कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक बाबा है आदित्यनाथ योगी जी, और देश के शिखर पर भी वो भी एक, वो जरूर एक वजीर की भूमिका में है लेकिन वो भी दिल से फकीर ही हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारी सत्ता का भी। बहुत कम होता है, मैं बार बार उस चीज पर आना चाह रही हूँ कि आप दोनों एक मंच पर इस तरीके से एकदम प्रसन्न भाव से बातचीत कर रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ मैंने, लेकिन आज प्रसन्नता का भाव मुझे लगता है एकदम सातवें आसमान पर है। आपने ये पूछा है कि कैसा लग रहा है, 1528 के उस भयानक आक्रमण, प्रतिकार और प्रहार की हम कल्पना करें तो आप जानना चाहेंगे कितने बलिदान हुए? 1,74,000 लोगों ने अयोध्या में अपने प्राण गंवाए हैं, 1,74,000 राम भक्तों ने अपने उस काल में प्राण दिए। उसके बाद कोई विवादित ढांचा खड़ा हुआ था, इससे पहले नहीं खड़ा कर सका, वो आक्रांता, वो आतताई, तो जो यहाँ आतताई आया वो 1,74,000 जब राम भक्त के प्राण चले गए उसके बाद वो विवादित ढांचा हुआ। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कि ये एक शासक की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, और एक प्रकार से ये माननीय उच्चतम न्यायालय का साहसिक निर्णय है, और एक एक बेंच नहीं पूरी बेंच के एक साथ हस्ताक्षर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस देश की पूरी सकल न्याय व्यवस्था ने ये दिन हमको देखने के लिए दिया है, जो हम आपके भी चेहरे पर दिन है, आपके भी चेहरे पर मुस्कान है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री राम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और कल एक अद्भुत दिन देखने को हमें नसीब होगा। लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि दो संत आपस में प्रभु राम को लेकर कोई जुगलबंदी कर दे। आप बताएं आपके लिए प्रभु राम क्या है, और आचार्य आप बताएं आपके लिए प्रभु राम क्या है। राम राष्ट्र के चरित्र हैं, राम राष्ट्र की मर्यादा है, वो हमारे धर्म के संस्कृति के साक्षात विग्रह है, वो हमारे पूर्वज भी हैं और वो हमारे पूज्य भी। राम परात्पर ब्रह्म है, नित्य है, सनातन सत्ता है, वो प्रत्येक काल में सामायिक है, सार्वभौम है, शाश्वत है, समीचीन है, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग में वो नूतन न हो, प्रखर न हो। लेकिन एक बात और है, वो इस भारत की भोर की पहली गूंज है, वो भारत के प्रभात के प्रथम स्वर है, वो प्रणाम प्रणाम अभिनंदन प्रतिज्ञा और सौगंध अथवा आश्वासन और कल्याण अथवा मुक्ति के मंत्र हैं, ऐसे हैं हमारे राम। और मैं चाहती हूँ कि इसे सुरों में बांधे तो, प्रभु राम के जिक्र को सुरों में बांधे तो, कोई चौपाई
देखिए, राम के लिए जो घर घर में चौपाई गाई जाती है वो कुछ इस प्रकार से भी है, वो कुछ इस प्रकार से है, और वो यहाँ के लोग भी गाते हैं उसे। मोरे सुधा रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। और एक घर घर में जो चौपाई गाई जाती है वो है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोड़ी जुग पानी। सब के अंदर हम आप में माता सीता को देखते हैं, रूबी का लिया का तो आपका नाम है, आपके भीतर भी हम माता सीता का ही पवित्र चरित्र देखते हैं। हम इनमें इनका नाम अवधेश है, अवधेशानंद जी महाराज हमारे संत परंपरा की गौरव, इनके भीतर भी हम राम को देखते हैं, और हम कण कण में राम देखते हैं। मैं भी स्वामी रामदेव जी में राम देखता हूँ। इस कोरोना काल में लगभग 300-400 करोड़ लोगों ने आपके आसन योग प्राणायाम को देखा है। भारत की भोर में जो सबसे पहले खड़ा होता है पूरे संसार में वो हमारे स्वामी रामदेव जी, सबसे दृष्टि में राम आ जाए और राम मतलब सबका चरित्र बन जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। तो ऐसे ही लगातार संतों और महात्माओं का सिलसिला जारी है इस पावन भूमि पर आने का। एबीपी न्यूज हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो आप देख रहे थे यहीं राम की पैड़ी से कुछ देर पहले बाबा रामदेव और आचार्य जो थे वो हमारे साथ जूना अखाड़े के मौजूद थे। बहरहाल आपको ये बता दें कि कल की जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त की तारीख कल सुनहरे अक्षरों से इतिहास में अंकित की जाएगी, क्योंकि कल इस देश के हिंदुस्तान के सबसे पुराने सपने की ईंट रखी जाएगी और उसी के साथ भूमि पूजन के साथ शुरू हो जाएगा उस भव्य मंदिर के निर्माण का सपना, शुरू हो जाएगा पूरा होना वो संकल्प जो बहुत पहले यहाँ के संतों ने देखा था। लेकिन आपको इस वक्त जो शुभ मुहूर्त है राम जन्मभूमि के पूजन का, उससे पहले आज अयोध्या में क्या क्या हुआ वो देखना चाहिए। ये भी है, बाती भी है, तेल भी है। कितना फूल है सजाने के लिए, कितना बोला गया? कम से कम तो 250 क्विंटल। 250 क्विंटल कहाँ रहेगा? 250 क्विंटल 250 क्विंटल आ चुका है, 250 क्विंटल आ रहा है। भगवान श्री राम की अयोध्या के रोम रोम में हर्ष और उल्लास है। देश के कोने कोने में राम जन्मभूमि के पूजन का इंतजार है। सदी के सबसे बड़े उत्सव को देखने के लिए हिंदुस्तान बेकरार है। और चंद घंटों बाद राम की नगरी उस पल का गवाह बनने वाली है जिसका इंतजार बरसों से करोड़ों आंखें कर रही थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन भूमि पूजन से पहले अयोध्या में शुभ कार्य के पहले वाली पूजा शुरू हो चुकी है। जहां ये पूजा पाठ हो रहा है अभी भी देखिए भगवान राम के निशान हैं, और वहां पर देखिए हनुमान गढ़ी में जो साधु संत हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो सब पूजा कर। भगवान राम से जुड़ा कोई काम हो और उसमें बजरंग बली शामिल ना हो ये असंभव है। बिना
और ठीक इसी तरह अयोध्या में बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए कोई राम जन्मभूमि परिसर तक भी नहीं जाता, क्योंकि हनुमान राम द्वार के रखवाले हैं और उनकी आज्ञा श्री राम से जुड़े सभी कामों में जरूरी होती है। इसलिए कल भूमि पूजन से पहले आज हनुमानगढ़ी में सुबह 10 बजे ये निशान पूजा शुरू हुई। अयोध्या में किसी भी शुभ कार्य से पहले निशान की पूजा की जाती है। निशान पूजा का क्या महत्व है ये बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। हनुमानगढ़ी में निशान पूजा हो रहा है, एक तरफ वहाँ पूजन हो रहा है राम जन्मभूमि परिसर में और एक हनुमानगढ़ी मंदिर में भी। राजू दास जी एक बात बताइए, ये जो पूजा हो रही है ये क्या है? ये निशान का पूजा है और ये शुभ कार्य के लिए प्राचीन है, 1700 वर्ष पुराना निशान है और धार्मिक प्रयोजन में धार्मिक कार्य में पहले निशान का पूजन होता है। इसके नाते भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निशान पूजन यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या निशान वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में भी जाएगा? नहीं, राम जन्मभूमि परिसर में निशान जाना था लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए निशान राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जाएगा। इसका क्या विशेष महत्व है? विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, निर्वाणी अखाड़े के परंपरा में कि विशेष कार्य के लिए हनुमान जी के विजय प्रतीक निशान होता है, पहले पूजन होता है उसके बाद कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। 1700 साल पुराने निशान की पूजा है। ये बजरंग बली का वो विजय प्रतीक है जो हर शुभ कार्य के लिए पहले पूजा जाता है, इसके बाद ही धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अगर आपने यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर के हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो वो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे, इसी वजह से भक्तों का तांता लगा रहता है। हालांकि कोरोना काल है, इस वजह से भीड़ उतनी नहीं जितनी अमूमन होती है, लेकिन हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। जितनी बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर भी पहुंचते हैं, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के साथ ही उनके परम भक्त श्री हनुमान के भी दर्शन किए जाते हैं उसी तरीके से, और इसी वजह से यहाँ पर खुद जब प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे। निशान पूजा के साथ अयोध्या में आज रामार्चा पूजा शुरू की गई। 6 पुजारियों ने मिलकर रामार्चा पूजा की जो करीब 5 घंटे तक चली। वैदिक मान्यता है कि इस महायज्ञ को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये रामार्चा पूजा की तस्वीर है। इस पूजा में भगवान राम के 4 अवतारों को पूजा जाता है। निशान पूजन के बाद रामार्चा भगवान राम के जन्म स्थान पर जहाँ पे उनकी मूर्ति विराज रही है इस समय अस्थाई मंदिर में, वहाँ पर ये जिस प्रकार रुद्राभिषेक होता है उसी प्रकार भगवान राम की अर्चना होती है। रामार्चा कहते हैं 4-5 घंटे का एक कार्यक्रम होता है। भूमि पूजन से पहले सिर्फ पूजा ही नहीं हो रही, पूरी अयोध्या को 500 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तक जाने वाले 3 किलोमीटर रास्ते को फूलों से सजाया गया। आज देखिए कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां इस तरह से फूल लेकर बड़ी मात्रा में यहां पर इसका साज और सज्जा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कैसे सुबह से ही पूरी सड़कों को सजाया जा रहा है, और मैं आपको दिखाता हूं और पूछता हूं इनसे कि आखिर ये कितना फूल, क्योंकि यहां पर कई क्विंटल फूल मुझे दिखाई दे रहा है। एक सेकंड भाई ये बताइए कि कितना फूल है सजाने के लिए, कितना बोला गया? कम से कम तो 250 क्विंटल। 250 क्विंटल कहाँ रहेगा? 250 क्विंटल आ चुका है, 250 क्विंटल आ रहा है। एक सेकंड खसकिए, एक सेकंड सरकिए, ये बताइए कि कितना, ये कह रहा है कि 250 क्विंटल आपने लगा दिया है क्या? अभी ये भी लग रहा है सर। लग रहा है सर, फूल लग रहा है। अच्छा, लग रहा है जी। और कितना कितना आ गया है? अरे भी यार आ गया 500 क्विंटल करीब आ गया है। भूमि पूजन की पूर्व संध्या यानी आज शाम को अयोध्या में छोटी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली की रोशनी में कोई कमी ना हो इसके लिए घर घर दीपक और सरसों का तेल बांटा जा रहा है। हर घर में कम से कम 11 दीपक जलाए जाएंगे। दीपक के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा जा रहा है। जब वो वनवास से लौटे थे तब दिवाली मनाई जाती थी, मनाई जाती भी है, लेकिन ये मौका बेहद खास है। जैसे त्रेता में भगवान राम के आने पर पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था, लोग दिवाली मना रहे थे, उसी प्रकार आज से ही 4 तारीख से ही पूरे अयोध्या में सभी घरों घरों में मंदिरों में दीपक जलेंगे, पटाखे दगेंगे। जैसे हमारे यहाँ छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली होती है, उसी प्रकार से आज हम लोग इस छोटी दिवाली के रूप में बहुत उत्साह से इसको मनाएंगे, और कल बड़ी दिवाली जब मोदी जी इसका भूमि पूजन कर देंगे उसके बाद कल बहुत बड़ी दिवाली अयोध्या में मनाई जाएगी। राम
की पैड़ी पर हम मौजूद है और जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि ऊपर आकाश में अगर आप देख पाए तो, क्योंकि हम बकायदा आपको एरियल शॉट भी बता रहे हैं जिमी के जरिए, आप देखिए वो जो ऊपर आपको कुछ उड़ती हुई चीजें दिख रही हैं वो ड्रोन कैमराज हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है ताकि पैनी नजर रखी जा सके। बहरहाल देखिए कल की तैयारियां तो आपने देख ली है, आज जो तैयारियां हुई हैं अयोध्या में वो भी आपने देख ली है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से कल वो जो सुनहरा पल आपकी आंखों में कैद होने वाला है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ अयोध्या पहुंचना, अयोध्या से पहुंचना राम जन्मभूमि और वहां पर पूजा करना उस भूमि का, फिर वहां से आगे संबोधन के लिए बढ़ना और उसके बाद संगीत, ये वो पूरा का पूरा सूत्र है जो आपको जानना चाहिए, यानी कल का क्या है कार्यक्रम। अब अगली रिपोर्ट। अयोध्या में मानो इतनी खुशी कभी नहीं दिखी। अयोध्या की आंखों में इतनी चमक शायद पहले नहीं दिखी। आंखों की यह चमक जगमग इसलिए है क्योंकि बरसों पुरानी आस पूरी होने जा रही है। भूमि पूजन के लिए कल दोपहर 12:30 बजे का मुहूर्त तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के एक घंटे पहले सुबह 11:30 बजे राम की नगरी अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा बता रहे हैं कि मोदी का हेलीकॉप्टर कहां लैंड होगा और उसके बाद मोदी किस रास्ते राम जन्मभूमि के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 11:30 बजे, जी हां, समय 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से इसी जगह आएंगे। ये अयोध्या में है साकेत कॉलेज, और साकेत कॉलेज को अब SPG ने अपने कवर में ले लिया है और यहीं वो आएंगे। सबसे पहले तमाम जो यहाँ के अयोध्या के कुछ लोग हैं वो उनकी अगवानी करेंगे, कुछ BJP के नेता भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी यहीं पर पहले से आकर अगवानी करेंगे और यहीं पहला पड़ाव होगा साकेत कॉलेज का अयोध्या में। इसी साकेत कॉलेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा जिसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये वो जगह है राम जन्मभूमि परिसर का मुख्य दरवाजा जहां से जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी रास्ते से भूमि पूजन के लिए। ये साकेत कॉलेज से हनुमानगढ़ी के रास्ते में ही पड़ता है। ये तैयारियां हैं, यहां भी भगवा रंग से सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां नहीं रुकेगा क्योंकि उनका पहला पड़ाव है हनुमानगढ़ी, यानी राम भक्त हनुमान, सबसे बड़े राम भक्त हनुमान के दरवाजे पर। तो हम चलते हैं वहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। हनुमानगढ़ी का मुख्य दरवाजा, किले जैसा है ये मंदिर और उसमें बजरंगबली हैं, इतनी सीढ़ियां हैं, लाल देह लाली बसे अरुधरी लाल लंगूर, तो सब लाल रंग से सजा हुआ, लेकिन इतनी सीढ़ियां हैं। पहले यही हो रहा था कि मेन गेट से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब आपको बताऊं कि प्लानिंग बदल गई, ये रास्ता है। मैं दिखलाता हूँ आपको जरा तेजी से कि हनुमानगढ़ी के जो कई रास्ते हैं
एक रास्ता जो है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं उसको छोड़ करके दूसरे रास्ता तय किया गया है जो इधर से है और वहां तक गाड़ी जा सकती है, इसीलिए इस रास्ते पर फैसला हुआ है कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करने। हनुमानगढ़ी में करीब 10 मिनट के पूजा कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए जाएंगे। सबसे पहले मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई बार अयोध्या में जनसभा जरूर की है लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। अयोध्या नगरी में लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, रामलला यानी बचपन के भगवान राम की जो बालक हैं, बालक स्वरूप में पूजा की जाती है। वहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद एक पारिजात वृक्ष भी लगाएंगे वहां पर, उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है 12:30 बजे के करीब में, वो उस शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखेंगे। वो राम मंदिर जो समस्त दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा सपना है, पता नहीं कितने लोग भव्य राम मंदिर की आस लिए पर लोग सिधार लिए, वो ऐतिहासिक घड़ी। और फिर मोदी वहां पर भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर निर्माण के लिए 40 किलो चांदी की ईंट आधारशिला के रूप में रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विशेष मंच का रुख करेंगे। बुलेट प्रूफ मंच तैयार किया गया है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। यानी मंच पर सिर्फ 5 लोग मौजूद होंगे। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ बारी बारी से संबोधन करेंगे और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 घंटे का संबोधन करेंगे। अनुराधा पौडवाल भी अयोध्या पहुंच चुकी है। भूमि पूजन के दौरान अनुराधा पौडवाल भजन गाएंगी। जितने लोग भी पूजा में शामिल होंगे उन सबको प्रतीक स्वरूप ये चांदी का सिक्का दिया जाएगा। मोदी इसे जारी भी करेंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 175 लोगों को न्योता भेजा गया है। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। देखिए अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं लेकिन लगभग यहाँ पर 1.5 लाख दिए इस वक्त आपको जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। वॉलंटियर्स इंतजार कर रहे हैं कि बस उन्हें हरी झंडी मिले और उसके बाद इनको प्रज्वलित किया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन एक नाकाम साजिश पाकिस्तान भी कर रहा है और उसका भंडाफोड़। तो कल यहाँ राम मंदिर भूमि पूजन हो रहा है और इस मंगल मौके को भी अमंगल बनाने की साजिश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कर रहा है। मेरे सहयोगी ओपी तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हिंदुस्तान की खुशियों को देख तिलमिलाने वाला पाकिस्तान 5 अगस्त के शुभ मुहूर्त को अशुभ बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने और राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों के बीच पाकिस्तान सीमा पर भारतीय जवानों को निशाना बनाने की फिराक में है। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के सिर काटने की साजिश रच रहा है जिसके लिए ISI के अधिकारियों ने आतंकियों के साथ एक बैठक भी की है। इस बैठक में पाकिस्तान की बैट टीम भी शामिल थी। बड़ी बात यह है कि आतंकी कमांडर मारूफ अहमद खान को बैट के एक्शन के एक इलाके का इंचार्ज बनाया गया है। यानी साफ है कि पाकिस्तान अपनी सेना की आड़ में आतंकियों को शह देने में लगा है जिससे वो राम मंदिर भूमि पूजन के दिन जवानों को नुकसान पहुंचा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद पाकिस्तान से लगी तमाम सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और भारतीय सेना को इस पाकिस्तानी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने को कहा गया है। और ये स्वागत अयोध्या से हो रहा है आपका लेकिन यहाँ से आपको पाकिस्तान के उस साजिश के जो परखच्चे उड़े हैं वो खबर भी बतानी बहुत जरूरी है। घाटी को दहलाने की कैसे कोशिश की पाकिस्तान ने और कैसे नाकाम रहा इस रिपोर्ट में देखिए। नीचे
इसी तरह से आतंकियों की हर साजिश का नामो निशान हिंदुस्तान की मिट्टी से मिटा दिया जाएगा। ये सबक है देश के दुश्मनों के लिए कि वो संभल जाएं, वरना उनका क्या हाल होगा, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर हाईवे पर एक बड़ा आतंकी हमला होने से टल गया। आतंकियों ने सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक पुलिया के नीचे आईईडी लगा दिया, ताकि सुबह के वक्त सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया जा सके। लेकिन वक्त रहते 29 राष्ट्रीय राइफल के आरोपी यानी सड़क खोलने वाली पार्टी की नजर इस आईईडी पर पड़ी। ये विस्फोटक पेट्रोल पंप के पास फिट किया गया था, जिसके फौरन बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और इस आईईडी को उड़ा दिया गया। फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे यानी 7 बजे एबीपी न्यूज पर देखिए अयोध्या में, और सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में दीपावली, ये महोत्सव पूर्व संध्या पर राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की।